भारत News 24 और पटना से चलकर के रवीन्द्र भवन में आ गए और यहाँ पे स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इसी बीच स्टेट प्रेसिडेंट जो है इनसे हम बात करेंगे कि मैम कैसा लग रहा है इतना बड़ा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। झारखंड से चलकर के बिहार है, मैम कैसा लग रहा है? नमस्ते सभी को, मैं झारखंड से इंदिरा कुमारी दास स्टेट प्रेसिडेंट हूँ दलित सेना से, और यहाँ जो समारोह हो रहा आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो गार्जियन संस्थापक आदरणीय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का जो सपना था वो कंटिन्यू है। आज 23वां साल हम लोग मनाने जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इसे पार्टी से हम लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सर आप बताएं सर कैसा लग रहा है, सर स्थापना दिवस 23वां मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इससे कहेंगे कि हम लोग तो झारखंड से आए हुए हैं और आज से नहीं, आज 23 साल हो चुका, 23 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और हर बार स्थापना दिवस पे आ रहे हैं, और इस बार बहुत ही अच्छे तरह से धूमधाम से हम लोग स्थापना दिवस मना भी रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, गर्वान्वित महसूस करते हैं। क्या नाम हुआ सर? कौन? मेरा हेमंत श्रीवास्तव और झारखंड प्रदेश महासचिव। आप बताएं सर क्या कुछ कहेंगे, 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो News 24 के सभी दर्शकों को मैं ऋतुराज जिला अध्यक्ष देवघर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। आज 23वां जो स्थापना दिवस है लोक जनशक्ति पार्टी का वो देवघर में मनाया जा रहा है, रविंद्र भवन में, तो पटना में, तो इसमें हम सभी लोगों का शिरकत हुआ है, पूरे भारतवर्ष से हमारे तमाम जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी भी अभी शामिल होंगे, तो हम लोग एक नए जोश के साथ भारत में अपना एक शक्ति प्रदर्शन आगे पार्टी का करेंगे। धन्यवाद। सीधा यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि कार्यकर्ता बाहर बाहर से आकर के सीधा कर रहे हैं क्या कि इनका संकल्प ही है क्या कि हमको विकास के ऊपर काम करना है, और भी यहाँ पे हाँ